गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, इट इज़ थर्ड चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश बुक अ मर्चेंट एंड हिज पैरट, और ये सेकेंड वीडियो है आपकी। तो हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, आगे पढ़ते हैं। ऑल राइट, गो एंड एंजॉय, द मर्चेंट सेड ओपनिंग द केज। तो उस तोते ने क्या कहा था उसको कि मैं तुम्हें तीन सलाह दूंगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो। अब वो मर्चेंट भी लालची था तो वो मान गया और उसने क्या बोला, ठीक है, पिंजरा खोल दिया उसने और बोला कि जाओ और मौज करो। द पैरट होप्ड ऑन हिज हैंड। अब वो तोता ने क्या करा, तोता उसके हाथ पर कूदा, उछल करके आ गया। होप्ड मीन्स उछलना कूदना। नाउ टेल योर एडवाइस, द मर्चेंट आस्क्ड। अब व्यापारी ने पूछा कि अब मुझे अपनी एडवाइस बताओ। तो नेवर ग्रीव आवर लॉस ऑफ वेल्थ, ही सेड। उसने क्या बोला कि कभी भी अगर आपका धन जो है खो जाए या फिर धन का नुकसान हो जाए तो ग्रीव यानी उसका दुख हमें नहीं मनाना चाहिए। द मर्चेंट थॉट इट वॉज टेम एडवाइस बट सेड नथिंग। देन द पेरेंट फ्लू टू द रूफ ऑफ द मर्चेंट्स हाउस। अब मर्चेंट ने क्या सोचा, तो बकवास एडवाइस थी पर उसने कुछ कहा नहीं। और उसके बाद तोता क्या करा, तोते ने वो उड़ करके मर्चेंट की छत पर जाकर बैठ गया। दिस इज माई सेकेंड एडवाइस। और उसने क्या बोला, ये मेरी सेकेंड एडवाइस है, नेवर बिलीव एवरीथिंग दैट इज टोल्ड टू यू। जो भी तुम्हें बताया जाता है हमेशा सब चीज़ पर यकीन नहीं करना चाहिए, है ना, आग बन करके यकीन नहीं करना चाहिए कि हाँ इसने कह दिया तो सही कहा होगा। कभी कभी चीज़ें गलत भी हो सकती है, ठीक है। आगे देखेंगे। टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो, सेड द मर्चेंट साउंडिंग हिज अनोयंस। अब क्या हुआ, वो मर्चेंट परेशान सा हो गया कि ये तो बकवास बातें कर रहा है, ये तो सारी मुझको पता ही है पहले से। तो वो क्या बोलता है कि अच्छा अच्छा कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता हूँ, है ना। तो अनोयंस मतलब परेशान होकर, चिड़चिड़ा होकर। तो What you don't know is that I have two precious gems in my stomach, said the parrot. अब उस तोते ने क्या बोला कि जो तुम्हें नहीं पता है वो बात यह है कि मेरे पेट में दो precious means बच्चों कीमती, बहुत पैसे वाले। तो मेरे पेट में बहुत पैसा देने वाले जैम है, जैम means मोती हैं, ठीक है। Two precious gems, एकोड द मर्चेंट। अब मर्चेंट एकदम हैरान होकर चिल्लाकर बोला, क्या दो मोती हैं तुम्हारे पास? ओ व्हाट अ फूल आई वॉज टू सेट यू फ्री। मैं कितना पागल था जो तुम्हें फ्री कर दिया मैंने, आज़ाद कर दिया मैंने। आई विल रेग्रेट दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब मैं तो इसको अपनी कि मैंने एक ऐसे तोते को उड़ा दिया जिसके पेट में दो जैम थे। अब वो खाने वाले जैम मत समझना आप, ठीक है, जैम मीन्स मोती। डोंट यू वॉन्ट टू हियर माई थर्ड एडवाइस, आस्क द पैरट। अब पैरट ने क्या बोला, तुम्हें मेरी तीसरी एडवाइस नहीं सुननी है क्या? तो मर्चेंट ने बिटर लिया यानी कि एकदम गुस्से में बोला, कड़वा होकर बोला, टेल मी, बताओ मुझे। तो आई एडवाइज यू नेवर टू ग्रीव आवर लॉसेज बट हियर यू आर ग्रीविंग ओवर लॉसिंग मी, सेड द पैरट। अब पैरट ने क्या बोला, मैंने अभी तो तुम्हें समझाया था कि कभी भी आपका अगर कुछ खो देते हैं आप तो उसका दुख मत बनाओ, लेकिन तुम तो अभी भी दुख मना रहे हो मेरे को खोने का क्योंकि तुमने मुझे उड़ा दिया। And I advised you never to believe everything you hear, but you immediately believed when I told you that I had two gems in my stomach. और मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि जब भी कोई कुछ बोले तो तुरंत बिलीव मत करो, लेकिन तुमने बिलीव भी कर लिया कि मेरे पेट में दो स्टमक हैं, वो हैं दो जेम्स हैं। तो मेरी थर्ड एडवाइस ये है कि लिसन, लर्न टू लिसन विद योर माइंड इंस्टेड ऑफ जस्ट विद योर ईयर्स। तो अब कुछ भी बात तो अपने दिमाग से सुनो उसको, खाली कर रहा, ठीक है। एंड विद दैट द पैरट फ्लू अवे, और ऐसा कहकर के वो पैरट वहां से उड़ गया, लीविंग द मर्चेंट गैपिंग। गैपिंग मतलब सांसें लेना जोर जोर से, एकदम हाफ नहीं, यानी कि मर्चेंट जो था एकदम हक्का बक्का रह गया और वो जो तोता था मजे से अपनी आज़ादी को एंजॉय करता हुआ उड़ गया। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है।